दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही मजे में होंगे। आज है 18 मार्च और वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। अभी निकल रही हूँ पार्क मॉर्निंग। दोस्तों, ये बज रहे हैं 11:10 और ये मैंने लिया है नाश्ते में लौकी और खीरे का जूस पल्प के साथ, तो चलिए पी लेते हैं इसको। नाश्ता मेरा हो गया डन। अच्छा ही लगता है पीना, बुरा नहीं लगता है। टेस्ट कुछ खास नहीं, पर हाँ, खीरा डाल दीजिए तो टेस्ट अच्छा लगने लगता है। लेकिन सिंपल लौकी का जूस उतना मजा नहीं आता है, खीरा डाल दो तो थोड़ा टेस्ट अच्छा लगने लगता है। इसलिए मैं थोड़ा सा खीरा भी मिक्स कर देती हूँ अपने लौकी के जूस में। तो चलिए फिर मिलते हैं लंच टाइम में। दोस्तों, ये बज रहा है दोपहर का 12 और ये है मेरा आज का लंच। आज के लंच में है ओट्स की 2 रोटी, सलाद है और ये है पनीर की सब्जी। ऊपर से ग्रेवी पड़ गया, पनीर की सब्जी। आज मैं 1 घंटा पहले खाना खा रही हूँ क्योंकि आज मुझे जाना है मार्केट, तो जल्दी खाना खा के काम खत्म करना है, उसके बाद मार्केट निकलना है, इसीलिए 1 घंटा पहले खाना खा रही हूँ। तो चलिए खाना खा लेते हैं और मिलते हैं फिर आपसे बाद में। दोस्तों, अभी मैं निकल रही हूँ मार्केट। मैंने कहा ना, आज मैंने लंच पहले थोड़ा पहले कर लिया 1 घंटा पहले, क्योंकि मार्केट जाना था। तो ये मार्केट थोड़ा दूर पड़ता है, तो हम लोग 2-4 लोग मिल के जा रहे हैं थोड़ी मस्ती करने के लिए। सोचो, मार्केट जा रहे हैं हम लोग मस्ती करने के लिए, टाइम पास और मस्ती। दोस्त लोग मिलके जा रहे हैं तो मजा ही आएगा। तो चलते हैं, मिलूंगी आपसे मार्केट में। फ्लैट कहाँ मिल रहा है वहाँ? ये 50 रुपीज फ्लैट मिल रहा है। सारे एयरिंग, सारे एयरिंग 50 रुपए। कभी कुछ अच्छा लगता है, लेकिन थोड़े ना एयरिंग भी तो अच्छे ही थे। बैंगल्स भी अच्छे थे, एयरिंग भी अच्छे थे, बैंगल्स भी अच्छे हैं। ले तो बुरा था, वो बेड भी अच्छे है, ब्लाउज भी अच्छे है। अच्छा, आज हम लोग का टाइम पास हुआ है, लेकिन लिए नहीं। वो रानी कलर ब्लाउज मुझे बहुत पसंद आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, मेरा बेटा बोल रहा है, देखो मम्मा खाना होना मत खाई, खाना मत खाई, खाना होना मत बाहर, मतलब कि हम तो छूट जाएंगे ना। दोस्तों, अभी बज रहे हैं 9:32, वो भी रात के 9:32। और आज मार्केट गई थी, बस ऐसे ही हम लोग 4 दोस्त मिलके गए मार्केट, मतलब टाइम पास करने के लिए गए। और कोटा का न्यू क्लॉथ मार्केट, कमाल का, मतलब बहुत ही अच्छा। तो हम लोग वहाँ पे ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ थोड़ी बहुत ख़रीदारी की हम लोगों ने, चारों ने मिलकर ख़रीदारी की और अच्छी खासी ख़रीदारी कर ली। और उसके बाद फिर लौटने में हो गए 7:30 बजे वहाँ से हम लोग निकले। तो घर आते आते आधा घंटा तो लग ही गया, 8 बजे के आसपास हम लोग घर पहुँचे। फिर इतनी थक गई थी क्योंकि सुबह से जरा सा भी रेस्ट नहीं मिला था, तो इतनी थक गई थी, आके बस आराम किया है मैंने। लास्ट मील भी आज मैंने नहीं लिया क्योंकि मार्केट में ही लेट हो गया था। घर आके मैं ले सकती थी, पर मन नहीं हुआ खाने का, इतनी थक गई हूँ। और मार्केट में भी वैसा, मतलब जिस मार्केट में गई थी ना, तो वहाँ पे खाने पीने का ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था कि कुछ हेल्दी चीज़ मिले कि खा लो, टाइम हो रहा था तो। लेकिन चलो ठीक है, किसी दिन चलता है, आगे पीछे होता है। तो सोचो कि आज दोपहर का ही जो मैंने खाना खाया है लंच, वो भी 12 बजे ही, सच में यार 12 बजे। उसके बाद मैंने मुँह में कुछ भी नहीं डाला है अभी तक, बस पानी पीती रही हूँ। और
लास्ट मील कुछ अभी लेने का मन नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है, तो मैंने ले ली है बस ब्लैक कॉफ़ी। और अभी बज रहे हैं रात के 9:34, तो यही पी के अब सो जाऊंगी, अब मन नहीं हो रहा है, आज बहुत थक गई। अच्छा लगा हम लोग सब दोस्त मिलके गए ना मार्केटिंग के लिए, तो जो नहीं भी लेने की चीज़ें थी ना, हम लोग ने देख देख के खूब इंजॉय किया। और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने खरीदी हुई, किसी ने कपड़े लिए, किसी ने बैग्स लिए, किसी ने ज्वेलरी ली, मतलब गोल्ड के नहीं, बस ऐसे ही। हम लोग को टाइम पास करना था यार, बच्चे पढ़ाई करते हैं, अपना बिजी रहते हैं, हम लोगों ने सोचा चलो हम लोग थोड़ा सा अपना टाइम निकाल के निकल चलते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आज हम लोगों ने मार्केट में बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो चलिए लास्ट वीडियो को करते हैं लास्ट, पियेंगे ब्लैक कॉफ़ी। भूख लग रही है, ऐसा नहीं कि भूख नहीं लग रही है, भूख लग रही है, पर अभी जरा सा भी ये नहीं हो रहा है कि मैं किचन में जाकर अपने लिए कुछ बनाऊं, नहीं होगा अब हमसे भी। और बच्चों के लिए तो दोपहर में ही खाना बना दिया था, बच्चों के लिए जो दोपहर में रोटी और पनीर की सब्जी तो बनी ही थी घर में, तो पनीर बने होते हैं ना, तो बच्चों को कोई टेंशन नहीं होती है। तो रोटी मैंने उन दोनों का ज़्यादा करके बना दिया था, बस गरम करके रोटी घी लगा कर दे दिया, एक्स्ट्रा रोटी बना कर गई थी और सब्जी भी थी ही, और दही वगैरह रहते हैं मार्केट से आई तो रसगुल्ले ले आई थी बच्चों के लिए, हो गया खाना पीना, बच्चों को गरम करके रोटी में घी लगा कर गरम कर दिया, रोटी खा लिया बच्चों ने मज़े से। लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हुई कि अपने लिए कुछ बनाओ, जबकि शेक में आराम से बना सकती हूँ, पर नहीं अब नहीं चलेगा, मतलब अब बनेगा ही नहीं। तो ब्लैक कॉफ़ी मैंने ली है, अब इसे पीऊँगी और सो जाऊँगी, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। चलिए दोस्तों पीते हैं कॉफ़ी को और लेती हूँ आपसे विदा, करते हैं वीडियो का यहीं पे अंत, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।